टुडे वी गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट यूट्यूब. आज हम थोड़ा यूट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं. यूट्यूब चलाने का सबका अपना अपना एक स्ट्रैटेजी होता है. यूट्यूब चलाने का अपना अपना सबका स्ट्रैटेजी होता है. आपको जो सही लगे आप वो चूज़ कीजिएगा. अल्गोरिदम डू मैटर्स, मैट्रिक्स एंड ऑल सब मैटर करता है, बट आपका विलिंगनेस उतना ही मैटर करता है. आप चैनल स्टार्ट करने से पहले कोई भी टॉपिक अगर आप चूज़ करते हो, देन वो एल्गोरिदम कितना सर्च हो रहा है ये पॉइंट है, बट आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है ये भी आप चेक कीजिएगा ज़रूर. बिकॉज आप स्टार्टिंग बना लोगे क्रेजी क्रेजी में, एंड देन ये होना चाहिए कि आप विलिंगनेस खो रहे हो. इट रिक्वायर्स सम सपोर्ट, बैलेंस. एक मतलब आप करो, आपको भी इतना ही अच्छा लगना चाहिए जितना आपके आपके ऑडियंस को. यूट्यूब चलाना यानी आपके है सर को एक बर्डन सा नहीं रहना चाहिए कि नो इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ हेडेक. ऐसा हेडेक नहीं होना चाहिए. आप अगर इन्जॉय कर रहे हो देन जस्ट डू इट विलिंगली, और विद टाइम इट विल गिव यू द रिजल्ट्स. आप जैसा भी जिस भी कंटेंट पे बना रहे हो अकॉर्डिंगली, आप पोस्ट करते वक्त ये मत सोचना कि कौन देखेगा, कितने जन देख रहे हैं. इट डजेंट मैटर्स फर्स्टली ये, क्योंकि आप आपके लिए बनाओ. आप दिन ब दिन ग्रो होते जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में. आपको जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपने स्किल्स कितना है, आपने पॉलिशिंग कितना बाकी है, और आपका क्रिएटिविटी आपको नहीं समझेगा. सो आपके जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो आपको एक लर्निंग के लिए रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा. बिकॉज आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं होती है. उसका बेस बनना बहुत ज़रूरी होता है. तो बेस आप कैसे बना रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सब मैटर करता है. हर एक चीज़ मैटर करता है. सो इन्जॉय कीजिएगा जब भी आप ये वीडियोस बनाते हो. और माइंडसेट आपका, हार्ट पॉजिटिव रखना, अच्छा रखना. कोई नहीं देख रहा है वीडियोस देन इट्स टू गुड. आपको आ समझ रहा है कि आप कितना ग्रोथ कर रहे हो. नेक्स्ट वीडियो आपका उससे तो बेटर होगा, ये आपको पता रहेगा, ये आपका एनालिसिस रहेगा. मोबाइल में मेमोरी सेव होने से अच्छा यूट्यूब पे डाल के रख दो वीडियोज़ आपके. इट्स गुड मेमोरी स्टोरेज वाइज. एक वो पर्सपेक्टिव भी होता है, एंड यू विल एंजॉय विद टाइम डूइंग इट. और बाकी सब मैटर करता है. बट आई थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू. डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिया है. जस्ट गो आउट एंड लुक इट. क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था इस रिगार्डिंग कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं. अभी मैं जो वीडियो देख रही आई एम जस्ट, वो मैंने ये ऐसा क्रिएट किया था. सो मुझे ये स्क्वायरिंग में आई वॉज नॉट एबल टू ऐड द लिंक. मैं लिंक ऐड नहीं कर पा रही थी. सो आई जस्ट क्रिएटेड दिस वीडियो फॉर दैट बेस, कि मैं ताकि इसके नीचे मैं वो लिंक डाल सकूँ. आपको ज़रूर रेफर करना आपके रेफरेंस के लिए. आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे उस रिगार्डिंग. करो चैनल स्टार्ट. सोचो मत कि करना है करना है. इफ़ यू आर विलिंग डू इट, गिव इट अ ट्राई. ना नहीं करने से अच्छा करके देखो, आजमा के देखो. इट्स ऑलवेज गुड रादर देन एस्केपिंग. सो कुछ अफर्मेशंस की वीडियो भी है, आप वो ज़रूर चेक करना मोटिवेशंस के लिए. आपको आपके लिए मैंने एक पर्सनलाइज विजुलाइजेशन का एक वीडियो बनाया है, आप वो भी ज़रूर चेक करना, आपको अच्छा लगेगा. वो इंस्पिरेशनल अफर्मेशन ज़रूरी होता है. बिकॉज कभी कभी हम लोग लो फील करते हैं. सो हमको रिचार्ज करने को वो बैकअप होता है. और अगर आप अफर्मेशन वैसे कुछ बोलते हो तो आपका माइंडसेट वैसा रहता है, आप उस वाइब्रेशन में रहते हो, और बाद में आपके पास वैसा स्टडी मटेरियल आता है, या फिर आपके कंटेंट के रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो आपके पास अट्रैक्ट होता है. सो आप एक अच्छे वाइब्रेशन में रहते हो, एक लर्निंग वाइब्रेशन के में रहते हो. सो इट्स ऑलवेज गुड. सो चेक कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना. टिल देन स्टे हेल्दी, फिट, फाइन एंड स्टे लविंग. We'll meet next time. Thank you for now.